हासिलपुर में एमपीए अफजल गुल की स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल और वजीर कानून राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई। एमपीए अफजल गुल के हमरा काउंसलर्स राना रशीद, साजिद सलीम और आसिफ रामे मौजूद थे। हल्का पीपी 274 की सियासी सूरत हाल समेत तरक्याती मनसूबों के हवाले से बातचीत की गई। आपको खबर दे रहे हैं हासिलपुर से, जहां पर एमपीए अफजल गुल की स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल और वजीर कानून राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही यूसुफ तहीम से। यूसुफ तहीम, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। हासिलपुर के हल्का पीपी 274 के एमपीए मोहम्मद अफजल गुल की स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई है, जिसमें एमपी अफजल गिल के हमरा काउंसलर राना अब्दुल रशीद, साजिद सलीम और आसिफ रामे भी मौजूद थे, जिसके मनाजर रोहित टीवी की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। मुलाकात के हवाले से हल्का पीपी 274 की सियासी सूरत हाल समेत तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी बातचीत की गई है, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने हल्का में तरक्की मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने की हदायत की है। एमपीए को इसके अलावा तरक्याती फंड के हवाले से भी बातचीत की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एमपीए मोहम्मद अफजल गिल जो हैं वो दो मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं और उनका शुमार पुराने मुस्लिम लीग में होता है, इसलिए इलेक्शन करीब आते ही अफजल गिल की पार्टी क्यादत से मुलाकातें और रबते भी तेज हो चुके हैं, जिस वजह से हल्का में भी वो काफी मुतहरक दिखाई देते हैं, जिस वजह से उनकी आवाम में मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वजह से वो आइंदा जनरल इलेक्शन के भी मजबूत तरीन उम्मीदवार साबित हो सकते हैं।